हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड में। तो अभी मैं हूँ मुंबई में। अभी आज हम यहाँ से जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो आज हमारी फ़्लाइट है मुंबई से फ्रांस की। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो है 1:20 की और अभी हमें विले पार्ले में। तो यहाँ से अभी हम कैब बुक करेंगे और फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो अभी हम फ्लाई करने वाले विस्तारा एयरलाइन से। तो चलो अभी जल्दी से कैब बुक करते हैं और फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो भाई अभी अपनी टैक्सी आ गई है, अभी हम टैक्सी में बैठ के निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। वेल, अभी हमें वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पे और इस रोड पे ट्रैफिक हमेशा रहती है। तो हमें एयरपोर्ट पहुंचने में लगे लगभग 15 मिनट। तो भाई अभी हम आ गए छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे और अभी हम जाके चेक इन करेंगे। तो आज हम ट्रैवल करने वाले विस्तारा एयरलाइन से। तो भाई अंदर आके अभी हमने हमारा चेक इन कर लिया है। तो भाई अपना बोर्डिंग पास अपने को मिल गया है और जैसा कि आप देख सकते हो आज हम फ्लाई करने वाले विस्तारा एयरलाइन से। तो ये जो फ्लाइट है ये डायरेक्ट फ्लाइट है पेरिस के लिए और हमें पेरिस पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल मुंबई में बजे 11:30। तो हमारी फ़्लाइट है 1:20 की और पेरिस पहुँचेंगे हम शाम को 7:30 जो कि पेरिस का टाइमिंग है। वेल, अभी अपना इमिग्रेशन भी हो गया है और इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथली हो गया है। ज़्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं, बस नॉर्मल से ही सवाल पूछे कि कहाँ जा रहे हो कि, और उसके अलावा कुछ पूछा तो नहीं इन्होंने। तो भाई इससे पहले मैंने 2 ट्रैवल कर लिया है, वियतनाम और थाईलैंड, और इस बार मैं पहली बार अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में हमारा प्लान तो ये है कि हम 8 से 9 कंट्री एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो कंट्रीज है ये सारे यूरोप में के, और उसके बाद आते वक्त हम विजिट में एक कंट्री विजिट करेंगे जिसके डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई ये जो आप सामने देख सकते हो वो है ड्यूटी फ्री एरिया। तो अगर आपको ड्यूटी फ्री से कुछ परचेस करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे एयरपोर्ट में ये नॉर्मल कैफेज़ वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। एंड गाइस, ये जो आप सामने देख सकते हो यहाँ पे फूड कोर्ट है। तो अगर आपको KFC, सबवे, मैकडोनल्ड कुछ खाना है, पिज़्ज़ा वगैरह, तो आप यहाँ से खा सकते हो। बस एक ही चीज़ है कि एयरपोर्ट पे फूड का जो प्राइस रहता है वो हायर साइड रहता है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट लॉन्च। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और फॉरेक्स कार्ड है, तो उनमें मुझे एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। तो अभी हम जाके एयरपोर्ट लॉन्च में थोड़ा खा पी लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो भाई अभी हम आ गए लॉयल्टी लॉन्च और ये वही लॉन्च है जहाँ पे आपको फ्री क्रेडिट कार्ड एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 डिडक्ट होंगे और यहाँ पे आप फ्री में खाना और पीना एंजॉय कर सकते हो। तो वेल, अभी हम आ गए लॉयल्टी लॉन्च में और अभी यहाँ पे फिलहाल बुफे चेंज हो रहा है तो उसके लिए 15-20 लगेंगे। और वैसे देखा जाए तो अभी दोपहर का टाइम है तो लॉन्च पूरा खाली है। तो मैं जब पिछली बार लॉन्च में आया था तब मैं आया था रात में, तो रात में पूरा लॉन्च भरे हुआ रहता है, पर अभी दोपहर का टाइम है तो अभी लॉन्च अच्छा खासा खाली है। तो भाई ये देखो यार, अभी फ़िलहाल लॉन्च अच्छा खासा खाली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और मम्मी इंटरेस्टेड फॉर पेरिस। तो रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि HDFC रिगालिया कार्ड पर लॉन्च एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए, पर अगर आपके पास रिगालिया का फॉरेक्स कार्ड है तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे 3 एंट्री लिए। तो एक एंट्री हमने ली थी SBI के प्लेटिनम डेबिट कार्ड पे, दूसरी एंट्री मैंने ली थी टाटा न्यू कार्ड पे। अगर आपको लॉन्च एक्सेस वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है और काफ़ी जल्दी आपको मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो है सिर्फ 500 रुपीज़। और तीसरी एंट्री मैंने ली HDFC के रिगालिया फॉरेक्स कार्ड पे। तो अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते रहते हो तो आप HDFC का रिगालिया फॉरेक्स कार्ड ले सकते हो। इस कार्ड की खासियत ये है कि आपको ये कार्ड बस US डॉलर में लोड करना है और इसके बाद आप ये कार्ड किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो फॉरेक्स कार्ड रहते हैं उसकी एक लिमिट रहती है कि आप इन कंट्री में यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप रिगालिया फॉरेक्स कार्ड लोगे तो आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हो। भाई देखा, सच बताऊंगा आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो पिछले 2 में जब खाना खाया था उस टाइम खाना ठीक ठाक था, पर आज का खाना भाई बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। अभी अपना मस्त खाना पीना हो गया लॉयल्टी लॉन्च में और अभी हम जा रहे बोर्डिंग गेट की तरफ। तो आज का जो खाना था वो काफ़ी बढ़िया था, मज़ा आ गया। तो पिछले 2 मैंने जब खाना खाया था लॉन्च में तब मैंने रात में खाया था 12 के आसपास, और उस टाइम जो मेन्यू था वो इतना कुछ खास नहीं लगा था मुझे, पर आज का जो फूड था वो काफ़ी टेस्टी था। तो लॉन्च का जो फूड सेक्शन है वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने वाला था, पर वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो पिछले 2 जब मैं गया था उस टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था, इस टाइम मना क्यों किया पता नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। तो अभी अपना जो बोर्डिंग गेट है वो है 71। वेल, अभी हम आ गए हमारे बोर्डिंग गेट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने वाला हमारा बोर्डिंग गेट है, थोड़ा सा दूर था पर कोई बात नहीं। तो ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे अपनी फ़्लाइट है और अभी मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट की तरफ।
तो गैस अपनी जो फ़्लाइट है वो है डायरेक्ट फ़्लाइट, और डायरेक्ट फ़्लाइट ही सबसे सस्ती मिली हमें। तो जनरली ये होता है कि इनडायरेक्ट फ़्लाइट काफ़ी सस्ती रहती है। तो अभी हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। तो ये इधर का जो गेट है वो है बिज़नेस क्लास, और ये अपना इकोनॉमी क्लास। तो भाई अभी ये जो रो आप देख रहे हो ये हमारी रो है बीच में की। तो गैस अभी हम बैठ चुके हैं हमारे सीट पे। तो हमने सीट सिलेक्शन नहीं किया था तो हमें रैंडमली सीट्स मिल गए। तो हमें जो सीट्स मिले वो है मिडल रो के, और अगर आपको कॉर्नर सीट्स लेने तो आपको फिर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो गैस ये जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पे आप मूवीज़ देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, और इसके अलावा आप स्क्रीन पे गेम्स भी खेल सकते हो। यदि आप उत्तम श्रेणी में हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए शोल्डर स्ट्रैप को खींच के बाकी ले तो भाई अभी टेक ऑफ का टाइम आ गया है, और अभी अपनी फ्लाइट रनवे पे आ गई है, तो अभी बस कुछ मिनटों में टेक ऑफ हो जाएगा। हमारी फ़्लाइट जो है वो है लगभग 10 घंटे की, और मैं सोच रहा हूँ अभी मैं एक मूवी देख लूँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं बंदा मूवी देखूँगा। देखा जाए तो अभी तक मैं इंडिया में के जितने भी फ्लाइट्स हैं उन सारे फ्लाइट्स में ट्रैवल कर चुका हूँ, और नो डाउट विस्तारा उन सभी फ्लाइट में सबसे बढ़िया फ्लाइट है। वेल अभी अपना खाना आ गया है, तो यहाँ पर मैंने नॉन वेज मील सिलेक्ट किया है, और मम्मी पापा ने यहाँ पे वेज मील सिलेक्ट किया है। ड्रिंक्स में आपको जूस लीकर कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ब्रेड और बटर है, ये यहाँ पे इन्होंने सलाद प्रोवाइड किया है, और ये मेरे को लगता है गुलाब जामुन विथ रबड़ी है शायद से। और मेन कोर्स में यहाँ पे है राइस और चिकन की ग्रेवी। तो दोस्तों अभी सब लोग खिड़की पे जाके व्यू देख रहे थे। तो अभी मैं आपको जैसा फ़ोटो दिखाया वैसे माउंटेन व्यूज़ था। तो अभी हमने जस्ट फ्लाई किया इस माउंटेन के पास से, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इंडिया से निकले, और फिर बाद में पेशावर के पास से हम ऊपर की तरफ चले गए। अभी प्लेन जा रहा है ईस्ट कोसिम की तरफ, और ये जो आप पहाड़ों का व्यू देख रहे हो स्नो वाला, यहाँ से हमने क्रॉस किया था। तो जो लोग विंडो सीट से बैठे थे उन्होंने ये व्यू क्लियरली एंजॉय किया, पर हम मिडल में बैठे थे तो हमें भी ये व्यू दिखा था खिड़की में से। तो ये जो व्यू है ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर मैं एक फ़ोटो निकालने में कामयाब हो गया। और अभी यूरोप जाने के लिए हम यहाँ से आगे जाने लगे दुशानबे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मैप, तो दोस्तों ये देखो ये ऐसा मैप है। अभी पेरिस है इधर, तो अभी हम यहाँ से निकल के ऐसे आए, और फिर यहाँ से हम जाने वाले इधर पेरिस के लिए। अभी मैंने देखी थी बंदा मूवी जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, और इसके बाद अभी मैं बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। यहाँ पे अभी हमें चाय के साथ एक चोको चिप्स की कुकी मिली है। दोस्तों अभी हमें फ्लाइट में एक और मील मिला है, तो चलो अभी मैं ओपन करके बताता हूँ आपको क्या है इसमें। तो इस मील में मुझे पराठा, चिकन कीमा, लेमन मसाला वाटर और चॉकलेट ब्राउनी मिली है। वेज वाले ऑप्शन में पराठा के साथ पोटैटो वेजेस भी दिए। एंड गाइस ये जो लेमन मसाला वाटर है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो पिछले बार जब मैं थाईलैंड से मुंबई आ रहा था तब मैंने ये पिया था। अभी तक मैंने दो मूवीज़ देख लिए, और अभी मुझे थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा चलो स्क्रीन पे थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, और लगभग 10 मिनट में अभी हम लैंड हो जाएंगे पेरिस शार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट पर। अभी हम लैंड हो गए पेरिस एयरपोर्ट पर। सो गाइस स्वागत है आप सभी का फ्रांस में। तो अभी हमें पेरिस के चार्ल्स दे गॉल एयरपोर्ट पे, और अभी हमारा प्लेन जस्ट 10 मिनट पहले लैंड हो गया है। अभी हम यहाँ से अपने बैग्स कलेक्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे पेरिस। तो पेरिस पहुँचने के बाद हमें जाना है अर्जेंटविल, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी जो है वो है अर्जेंटविल में। और बात करूँ मैं फ़्लाइट की तो फ़्लाइट काफ़ी बढ़िया थी, मज़ा आ गया। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो लगभग 10 घंटे के आसपास थी। इस 10 घंटे में हमें दो बार खाना मिला और दो तीन बार हमें कॉफ़ी भी मिली। और मैं बात करूँ फूड की तो यार फूड काफ़ी बढ़िया था, मतलब हर एक चीज़ काफ़ी टेस्टी थी, तो खाना खाने में भी मज़ा आ गया। ओवरऑल बात करूँ फ्लाइट जर्नी की तो काफ़ी अच्छी थी। अभी तक मैं जितने बार भी इस तरह से ट्रैवल किया मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। तो भाई अभी बजे शाम के 8:15, और जैसे हम एयरपोर्ट पर यहाँ पे नीचे उतरे तो अभी हमें इस ट्रेन से जाना है टर्मिनल 1 पे।
तो भाई अभी हमने यहाँ से मेट्रो ले लिए, तो अभी हमें जाना है के टर्मिनल पे। तो आप याद रखना, जैसे आप पेरिस एयरपोर्ट आओगे तो आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा के टर्मिनल पे अपने चेकिंग बैगेज कलेक्ट करने के लिए। जैसा कि आप देखोगे अभी इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हमें लगभग आधा घंटा हो गया इस लाइन में खड़े होके, तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है। तो भाई हम पहुँचे थे पेरिस एयरपोर्ट पे 8:15 पे और अभी बजे 9:50। अभी हम इमिग्रेशन पार करके और बैगेज कलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर आ गए, तो सारे प्रोसेस काफ़ी स्मूथली हो गई थी। बस एक सीन ही हुआ था कि जब हम बैगेज बेल्ट पे गए थे तो एक आदमी ने मेरी जो बैग है वो बाहर निकाल के रखी गलती से, और बैग बेल्ट से निकालने के बाद उस आदमी का फर्ज बनता है कि उसने अगर बैग निकाली तो वापस बेल्ट पे रखनी चाहिए, पर वो बंदा मेरी बैग वैसे ही रख के चला गया। और फिर यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी गार्ड है वो सारे बैगेज कलेक्ट कर रहा था, तब मुझे दिखा कि उसमें मेरी भी बैग थी, तो फिर मैं जाके उस सिक्योरिटी गार्ड से बात की और मैंने मेरी बैग ले ली। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों अगर आप भी एयरपोर्ट पर आ रहे हो तो आप पूरा बेल्ट एक बार देख लेना किसी ने आपकी बैग निकाल के तो नहीं रखी, वरना आपका फालतू का टाइम ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम जाएंगे हमारे एयरबीएनबी पे जो कि है अर्जेंट ट्विल में, तो अभी हमें लेनी है आरईआरबी, तो चलो चलते। तो दोस्तों अभी हमने आरईआरबी ले ली एयरपोर्ट से और अभी हम ऐसे आ रहे हैं पेरिस गैरेटियन और रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम स्टेशन पे जाके पहले पास लेंगे और सिम कार्ड लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे बीएनबी की तरफ। तो भाई जब मैंने मशीन से टिकट निकालने की कोशिश की तो उसमें से टिकट नहीं निकल रहा था, तो फिर मुझे फिजिकली जाके टिकट निकालना पड़ा। इस वजह से हमारे 15 मिनट पहले वाली ट्रेन मिस हो गई। अगर हमें वो ट्रेन मिलती थी तो फिर हमें पेरिस से भी अर्जेंटविल के लिए ट्रेन आराम से मिल जाती थी। अभी पेरिस में जाके हमें देखना पड़ेगा कि हमें अर्जेंटविल के लिए दूसरी ट्रेन मिलती है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये मैम देख सकते हो, ये जो स्टेशन है ये है एयरपोर्ट वाले स्टेशन। तो अभी हम यहाँ से अभी तक इस स्टेशन तक आ चुके हैं, इसका नाम है ट्रांसी, और इसके बाद 3 स्टेशन और है फिर हम पहुँचेंगे गैरेड्यूनॉर्ड स्टेशन। अभी ये जो ट्रेन है इसमें एलईडी स्क्रीन नहीं है जिसपे आपको आने वाला स्टेशन दिख जाएगा, तो आपको जिस भी स्टेशन जाने उसके लिए आपको अनाउंसमेंट ठीक से सुनने पड़ेगी और उसके अलावा आपको इस मैप पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आरईआर से ट्रैवल करने वाले हो तो आप एक बात याद रखना, आपको उतरना है गैरेड्यूनॉर्ड पेरिस रेलवे स्टेशन पे। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये नॉर्दर्स रेलवे स्टेशन के बाद आता है। तो जैसा कि देख सकते हो इस स्टेशन पे आकर ट्रेन बंद हो गई है, तो ये लास्ट स्टेशन है गैरेड्यूनॉर्ड। तो भाई अभी सीन ये है कि स्टेशन से जो आखिरी ट्रेन थी अर्जेंटविल के लिए वो चली गई है, तो अभी हमें यहाँ से बस देखनी पड़ेंगी। और जैसा कि अभी आप मार्केट देख रहे हो पूरा मार्केट बंद है, तो यहाँ पे आपको रात में सिर्फ कैफेज ही ओपन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि गैरे सेंट लजारे के लिए बस है जो कि अभी 6 मिनट में आ जाएगी। तो सेंट लाजारे से अर्जेंटविल के लिए ट्रेन है जो कि हमें मिल सकती है अगर हम टाइम पे पहुंच जाए, और अगर हमें वहाँ पे ट्रेन नहीं मिलती तो फिर हमें जाना पड़ेगा टैक्सी से जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो चलो अभी देखते हैं हमें ट्रेन मिलती है या नहीं। तो दोस्तों एक बार याद रखना, अगर आप पेरिस आने वाले हो तो आप अपना होटल या फिर बीएनबी जो है वो ड्यू नॉर्ड रेलवे स्टेशन के पास में ही लेना, क्योंकि ये यहाँ का मेन स्टेशन है और अगर आपको रात में भी आना है तो ये जगह काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। तो मैंने जब बीएनबी बुक किया था तो मैंने रिव्यूज़ देखे थे और रिव्यूज़ में दिया था कि वो जगह भी वेल कनेक्टेड है, पर बस अभी रात का टाइम है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर अगर आप पेरिस आने वाले हो तो आप ड्यू नॉर्ड रेलवे स्टेशन के पास में होटल बीएनबी या फिर हॉस्टल जो बुक करना है स्टेशन के पास में ही करना। तो भाई अभी हमें सेंट लजारे पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी टैक्सी ले ली है। मिंटर टैक्सी से अभी हम जाने वाले लगभग 12 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में हमें कितने पैसे लगते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। गाइज अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर यहाँ पे रास्ता पूरा खाली भी रहा तब भी लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली सिग्नल फॉलो करते हैं। अभी हमें लगभग 5 मिनट लगेंगे एयरबीएनबी पहुंचने में। टैक्सी के लिए हमें लगे लगभग 31 यूरो जो कि इंडियन रुपीस में होते 2,820 रुपये। तो चलो गाइस आज का एपिसोड में यही पे एंड कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में।